नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आइए जानते हैं कोरोना वायरस होने पर हॉस्पिटल कब जाएं। सबसे पहले आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करने पर 94 नॉर्मल होता है, 95, 96, 97 से 100 ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। 90 से 93 ऑक्सीजन लेवल जरा कम होता है। 80 से 89 ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। इस पर आपको डॉक्टर की सलाह पर एडमिट होना चाहिए। शरीर में ब्लड प्रेशर 120 से 80 नॉर्मल, 130 से 85 नॉर्मल कंट्रोल में है, 140 से 90 हाई थोड़ा बढ़ा हुआ, 150 से 95 वेरी हाई बहुत ज्यादा होता है। आइए जानते हैं पल्स के बारे में। पल्स 72 पर मिनट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा, 60 से 80 पर मिनट नॉर्मल मध्यम होती है, 90 से 120 पल्स बढ़ी हुई होती है। आइए जानते हैं टेम्परेचर। डिजिटल थर्मामीटर से चेक करने पर 92 से 98.6 तक बुखार नहीं मतलब नॉर्मल होता है, 99.0 थोड़ा बुखार, 100 से 102 ज्यादा बुखार। आइए जानते हैं HRCT या चेस्ट CT स्कैन करने पर। फर्स्ट HRCT स्कोर 0 से 8 मिल्ड इन्फेक्शन, सेकेंड HRCT स्कोर 9 टू 18 मॉडरेट इन्फेक्शन, थर्ड HRCT स्कोर 19 टू 25 गंभीर इन्फेक्शन। आइए जानते हैं इसका उपचार। फर्स्ट मिल्ड इन्फेक्शन में नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, सेकेंड सेवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। HRCT स्कोर का मतलब जानते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने वाली थैलियों पर सूजन आकर उनमें कफ या पानी भरना, CT स्कैन करते समय लंग्स के 25 भाग करके उसमें से कितने भाग इन्फेक्टेड हैं यह देखकर उसका स्कोर निकाला जाता है, अर्थात जितना ज्यादा स्कोर उतना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत और उतना ही रिस्क ज्यादा। तो आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करिए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे यह इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।